हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक और वीडियो लेके आए हैं वैगनार का ऑटोमेटिक का रिव्यू। दोस्तों ये है हमारे पाशा भाई, और एक चीज और दिखा दूं, ये देखो ऑटोमेटिक गाड़ी है, और भाई साहब ने मैनुअल वो सिस्टम लगाया, वो ऑटोमेटिक जो हैंडल वाला है वो लगा रखा है अपनी सेफ्टी के हिसाब से, कि मतलब जिस हिसाब से चलना होता है। बिच्चों का यहाँ स्विच लगा पड़ा है, ठीक है। और गाड़ी जो है आप ये समझ लीजिए कि जब ये गाड़ी आई थी हमारे पास, शायद 500 या 1000 किलोमीटर ही चली थी। कितना चली थी? 500 किलोमीटर, और बिल्कुल मतलब पन्नियाँ भी नहीं उतरी थी उसी वक्त भाई साहब ने लगवा ली थी। और आज ही देखो मीटर कितना चल चुका है। सैंतालीस हज़ार दो सौ उनचास किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और अब मैं पूछूंगा भाई साहब से कि सर ये बताइए कि कोई आपके इंजन में फॉल्ट आया इससे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सीएनजी लगाने के बाद लग रहा है कि गाड़ी का मतलब एक स्कूटी का एवरेज लाइक इस टाइप का एवरेज आ रहा है कि कहीं जाना है। कितना कितना आप लंबा गए इससे? मैं इससे चंडीगढ़ दिल्ली अप्रोक्स 300-400 किलोमीटर की रनिंग रेगुलर है। 700 किलोमीटर मैक्सिमम वन पे, मतलब वन टाइम में। तो वो जो लोग कहते हैं कि यार ऑटोमेटिक में सक्सेस है या नहीं है, इससे तगड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। खुद चलाने वाले और खुद मतलब ये इनका रिव्यू है। उसके बाद आप देखो मैं आपको आज ये दरअसल हमारे पास आए थे इस चीज़ के लिए, मैं अभी दिखाता हूँ। ये चाह रहे थे कि आउटर फिलिंग वॉल लगे, तो उन्होंने आउटर फिलिंग वॉल लगाया है। पहले इसमें जो लगा पड़ा था साथ वाला भी था, किट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों ये देखो ये मिज्जो की किट लगी पड़ी है, थोड़ा सा आप देख पा रहे हो है ना। और इंजेक्टर रेल थोड़ी पीछे होती है इसकी, ये प्रेशर गेज हो गया, फिलिंग वॉल है यहाँ पे, ठीक है, फिलिंग के लिए आउटर पहले वाला। ये मिज्जो का ईसीयू लगा पड़ा है यहाँ पे आप देखो, ठीक है। और ये देखो आप ये दिखाना चाह रहा हूँ, 10/2019 को लगी है भाई। ये देखिए ग्रीन फ्यूल्स, ठीक है। तो ये तो आपको एक कंफर्म हो गया कि कब लगी है, ये आपको इसमें दिखा दिया हमने। अब आ जाओ, जो आज ये लगवाने आए हैं इसके लिए आए हैं बेसिकली, वो है ये आउटर फिलिंग वॉल। ये चाहते थे कि मेरे पास दोनों फिलिंग वॉल होने चाहिए, आगे भी और पीछे भी। तो हमने दोनों फिलिंग वॉल इसमें रखे हैं, आगे भी और पीछे भी थोड़ी सी, क्योंकि क्या होता है इस फिलिंग वॉल के और उस फिलिंग वॉल के दोनों के कंपैरिजन का वीडियो बनाऊंगा, वो आपको शूट करूंगा तो आपको पता चलेगा। तो चलते हैं एक बार टेस्ट राइड पे आशा भाई के साथ। एक्चुअली फ्यूल की जरूरत नहीं रहती ज्यादा, क्योंकि हम रुद्रपुर में सीएनजी अवेलेबल है। तो ये देखिए, तो मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट सेल है पेट्रोल का, कोई टच नहीं। पेट्रोल पंप तो हर जगह अवेलेबल है ही है, इसलिए ज्यादा नीड नहीं रहती है। जो हमें जरूरत है सीएनजी की, और सीएनजी की एवरेज माशाल्लाह है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कह सकते कि अभी किस चीज की कोई प्रॉब्लम है। मतलब आपको एक चीज बताऊं कि वो जो बात हमेशा मैं एक बात जनरल बात कहता हूं कि रेगुलर आप मतलब अगर अच्छा ब्रांड आप लगवाते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ब्रांड में आनाकानी करेंगे तो फिर बाद में बंदा पछताता है। रेगुलर है अपना पाशा भाई से आते जाते रहते हैं, और हम रिव्यू भी पूछते रहते हैं कैसी गाड़ी चल रही है, कैसा है सब चीज़ें। तो ये है ऑटोमेटिक गाड़ी, और ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है अपनी सुविधा के हिसाब से लगवाया। आपने ये कितने का लगवाया था वहाँ से? जब गाड़ी 30,000 का लगा, मतलब 30,000 रुपये का, 30,000। लेकिन मतलब यूजेबल है वो, जैसे कि कितना कंफर्ट है कि आप इसको लगाने के बाद में लगता नहीं है कि आपको गाड़ी स्मूथ रेस में के पैर से चल रही है या हाथ से चल रही है। अच्छा, नॉर्मल स्पीड नॉर्मल मतलब रहेगी गाड़ी, नॉर्मल कुछ नहीं, जैसे आप पैर से चलाते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई बढ़िया से। तो ये है दोस्तों जीता जागता सबूत,
कि ऑटोमेटिक में किट कैसे कामयाब होती है और एवरेज कितनी अच्छी आती है। अच्छा कितनी एवरेज आ जाती है इसमें? एवरेज मान के चलिए 25-30 के अप्रोक्स चलता है, 25 से 30 के बीच में रहती है। रेगुलर आप लोकल चलते होंगे तो? हाँ रेगुलर लोकल में। लॉन्ग रूट पे कुछ प्लस भी रहती होगी? हाँ लॉन्ग रूट पे 30 के एवरेज आ जाती है, 30-32 समथिंग मान लो। तो अच्छा एक चीज बताओ कि आपने इतने टाइम से लगाई है कि तो पिकअप कैसा है? पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, पेट्रोल और सीएनजी में तो नेचुरली डिफरेंस है ही है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, लेकिन अभी ये कहेंगे पिकअप में प्रॉब्लम है तो पिकअप थोड़ा सा सेविंग चाहेंगे तो पिकअप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हल्का सा, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं। मैं तो कंटिन्यू सीएनजी पे ही चलाता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा दिक्कत लगी नहीं, क्योंकि हमने इतनी हाई स्पीड चलानी नहीं है जो हमें पिकअप के हाई लेवल की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल है ना, तो एवरेज स्पीड रहती है 80-90-70। ठीक है, अगर आप मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर एवरेज चाहिए तो वैसे भी बंदे को थोड़ा सा आराम से चलना पड़ता है। हाँ अगर हम सोचे कि बिल्कुल एकदम पिकअप के तरीके से चले और बुलाते ही चले गाड़ी तो फिर एवरेज की महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। वो तो चाहे कोई सा फ्यूल हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, कोई हो कोई हो, तो न्यूट्रल ले लेते हैं यहाँ से। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं हल्द्वानी में ले जा सकता हूँ क्योंकि ज्यादा आने जाने में कॉस्ट लग नहीं रहा है। अच्छा तो रेगुलर जैसे पहाड़ पुर में भी लेके गए इसको? हाँ नैनीताल अभी गया था रिसेंटली सीएनजी पे। हाँ 15 रक्षाबंधन पे। अच्छा 22 तारीख। कोई नहीं कोई बेफिकर। हाँ सीएनजी नैनीताल उधर से घूमते हुए भमाली भीमताल होते हुए फिर घर पे आए, मतलब लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी का रनिंग हुआ था। तो ये है भाई साहब, आप सब लोग देख रहे हो तो जो लोगों के दिल में कन्फ्यूजन रहता है कि ऑटोमेटिक में सीएनजी लगवाएं या ना लगवाएं, निश्चिंत होके लगवाओ, मिज्जो कंपनी की किट लगवाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। मतलब ढाई साल, दो साल ढाई साल का जो टाइम होता है वो एक समय होता है लगभग उस टाइम में, मतलब एक इतनी। और फिर दूसरा नहीं कि ये भी नहीं कह सकते कि दो साल में गाड़ी ना चली हो, ये आपके सामने 47,000 गाड़ी मतलब चल चुकी है, 47,251। तो उसमें आप मान लो कि 500 किलोमीटर अगर कम भी करते हैं तो 46,800 किलोमीटर के आसपास हो रही है। तो इतनी गाड़ी चल चुकी है, चलती है रेगुलर। लेकिन जो बात इनको हमने हमेशा कही है कि टोटल बॉडी क्लीन कराओ और स्पार्क प्लग टाइम टू टाइम चेंज कराओ, वो इन्होंने रेगुलर कराए हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं आएगी सीएनजी पे, जैसी डे फर्स्ट है वैसी रेगुलर रहेगी और आप हमेशा चलाते रहोगे उसको। ये छोटा सा मेंटेनेंस होता है, सीएनजी इतना पैसा बचाती है तो 500,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने में हमें कोई मतलब आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो मेन चीज है। तो दोस्तों फिर वही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो तो कहीं ना कहीं खुशी महसूस होती है और बड़ा अच्छा प्यार मिलता है, आप लोग कमेंट करते हो सब चीजें है तो वो चीजों का भी आप योगदान देते हो, अच्छा लगता है। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, ताकि जो भी नई नई वीडियोस आए आप तक उसके लिंक हमेशा पहुंचते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।